सो गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज विशाल। तो सामने आज फ्रेम के अंदर एक बाइक देख रहे हो। ये आयरन कोई नॉर्मल आयरन नहीं है, ये आयरन 1200 सीसी की आयरन है, 883 बिल्कुल भी नहीं है। और सर की बाइक है। हाय सर, कैसे हैं आप? हेलो। तो सर को पहले सब लोग जानते हैं, सर के पास ऑलरेडी इससे पहले एक बाइक थी इंडियन की डाको, जो कि बहुत ज़्यादा लोडेड थी, लोडेड क्या फुली लोडेड बाइक थी। उसका वीडियो भी डाला हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। इस बाइक का शूट करना इसलिए बनता है क्योंकि ये बाइक मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो सर ये बाइक जो है वो सीबी यूनिट है, कंप्लीट बिल्ड यूनिट। सबसे पहले इंडियन डार्क हॉर्स थी नहीं, हाँ, है अभी भी है, हाँ, बिल्कुल है। हाँ, उसके साइड अल्टरनेट में आपने लिए, ये लॉन्ग रूट के लिए वही रखी हुई है, शॉर्ट हाँ, राइड्स के लिए ये है। तो सर उस बाइक को चलाने के बाद इस बाइक को चला के कैसा लगता है? ये बाइक तो ऐसे लगती है जैसे साइकिल चला रहे हैं। हालांकि मैं इंडियन को भी जिगजैग कर लेता था काफी, बट स्टिल यू नो आफ्टर राइडिंग दिस बाइक व्हेन आई गेट ऑन टू दैट बाइक, ओके, इट फील्स हैवी, इट टेक्स 10 टू 15 मिनट्स टू गेट यू नो एडजस्टेड ऑन दैट बाइक, ओके। लेकिन ठीक है, दोनों की अपनी अपनी बात है, दोनों अपनी अपनी जगह है बाइक्स। सर ये वाली जो आयरन है थोड़ी स्पेशल इसलिए क्योंकि एक तो ये 1200 सीसी की है और ये सीबी यूनिट है और बहुत रियरी देखने के लिए मिलती है। तो इस बाइक को लेने का रीजन क्या था? इस बाइक को मेनली लेने का रीजन ये था, आई वांटेड अ बाइक विद हैंडल बार, एप हैंडल बार एंड द बिगर वन। पर इससे पहले एक सुपर ग्लाइड कस्टम भी हुआ करती थी आपके पास? हाँ, वो भी आपने चलाई ठीक ठाक किलोमीटर? वो मैंने ज्यादा नहीं चलाई थी। अच्छा। वो बाइक समहाउ मुझे पसंद नहीं आई। अच्छा। स्पोर्ट्सटर कंपैरेटिवली लाइटर वर्जन है और इसको सिटी राइड करने का मजा आता है, इवनिंग राइड करने का मजा आता है, यू कैन गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी इन इवनिंग सम टाइम्स, यू नो इट्स लाइक दैट ओनली। और इसके अंदर पावर भी 1200 सीसी की है, पावर भी इसमें पूरी है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। और हार्ली, एज यू नो, हार्ली की सबसे बड़ी बात यही है कि एक तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स और साउंड और ब्रदरहुड, ये वर्ल्ड वाइड है। और हार्ली के पास टेक्नोलॉजी जरा कंपैरेटिवली वीक है एज कम्पेयर टू ट्रायम्फ एंड इंडियन और व्हाटएवर। सच है, क्योंकि ये बात आप इंडियन चलाने के बाद बोल रहे हो और इससे पहले भी आप हार्ली रख चुके हो, चला चुके हो काफी। हाँ हाँ, मैं सारी रख चुका हूँ, मैं गोल्ड विंग भी रख चुका हूँ, मैं ट्रायम्फ रॉकेट 3 प्रीवियस वर्जन भी रखी है, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स आई हैव एवर यू नो ड्रिवन। सो भैया आयरन 883 ही क्यों? आयरन रेट ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, हाँ कॉम्पैक्ट है। और ये जो आप जितना इसमें चीजें कर सकते हैं ना, यू नो फैब्रिकेशन कर सकते हैं, लोडिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आई गॉट दिस लाइट चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन कलर थीम, कलर थीम एंड देन एयर बार्स और एग्जॉस्ट सीट इसका सिंगल किया, सीसी बार, लाइट, साइड नंबर प्लेट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, फॉरवर्ड कंट्रोल, बिल्कुल आपने फॉरवर्ड इसमें लगाए हैं, हाँ, फॉरवर्ड आते हैं, इसका मजा ही फॉरवर्ड कंट्रोल और एप बार के साथ है। हाँ, ये एप बार हैंडल बार लगाने का सर क्या एक्सपेंस आता है? एप बार इफ यू गो टू द कंपनी का खर्चा कहीं आता है 55-60 हज़ार रुपए। क्या बात है, इतना महंगा? हाँ, क्योंकि इसमें सारे केबल चेंज होते हैं, क्लच केबल चेंज होगा और फ्रंट ब्रेक केबल भी चेंज होगा और फ्लूइड केबल भी चेंज होगा, बिल्कुल। लेकिन आफ्टर मार्केट है, कर देते हैं लोग, वो थोड़ा रीजनेबल है, अप्रोक्सीमेटली 50% पे आ जाता है। अच्छा, मतलब वही 25,000 के आसपास में हो जाता है कंप्लीट, 20-22 हज़ार रुपए में हो जाता इसमें कंप्लीट, ये वायर्स वगैरह सब चेंज हो जाती है, सब चेंज हो जाती है। सो आयरन 883 आप चला रहे हैं अभी करंटली, अभी आपका अभी अपना 83 नहीं, 1200 बार बार वो आयरन है ना, तो वो चीज याद हो चुकी, इसलिए तो शूट कर रहे हैं कि 1200 सीसी की है। हाँ हाँ, क्योंकि इसको आप जो ट्रैफिक में चला के लाए तो कैसे एक्सपीरियंस रहा? ट्रैफिक में अच्छा है क्योंकि जिग छोटा साइज और थ्रॉटल रिस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त है, तो जिग जैग जो दूसरी मेरी बाइक है वो बहुत ह्यूज है, उसको मैं नीचे कच्चे बच्चे में भी नहीं उतारता हूँ, इसको तो कहीं से मर्जी ले आओ कर लो। मैं आपको इसका नाम नहीं बता सकता एक्चुअली जो मैंने इसका रखा है। अच्छा। that suits on that bike perfectly. बिल्कुल। But the other bike is huge, so I have named him. भैया आपको तो पता होगा सर, भैया को भी सभी जानते हैं वैसे, भैया के साथ भी ऑलरेडी आयरन है। भैया आपने ये वाली चलाई है वैसे बाइक? हाँ, ये जब ये ट्रायल पर थी और इसमें काम चल रहा था। अच्छा। तब मैंने ये वाली बाइक भी चलाई थी। अच्छा। और इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अब ये चलाने के बाद तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी बाइक में एक बार लगवा लूँ, एक बार लगवा लूँ। हाँ। और ये वाली आयरन में और आप वाली आयरन में कोई फर्क फील हुआ पावर में? पावर में तो डेफिनेटली आप सीसी देख लीजिए, 900 एंड 1200 वेरी फर्क है, तो वो फर्क तो डेफिनेटली आता है। अच्छा, तो हम इसलिए हम इस चीज का शूट कर रहे थे कैसे एक्सपीरियंस था। तो ट्रैफिक में आप कह रहे हो कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? और हाईवे पे को लेके गए अभी तक? हाईवे पे बीइंग अ स्मॉलर बाइक थोड़ा सा थकान देती है, या आप ये समझिए कि मुझे अभी इतनी हैबिट नहीं हुई है इसकी। अच्छा।
जो मैं दूसरी बाइक चला रहा हूँ वो ह्यूज है, उनका यू नो सिटिंग एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, प्रोबेबली उसके लिए और लिटिल मोर यू नो एडजस्टमेंट विद द बाइक एंड आई गेस आई एम गोना कम्यूट दिस बाइक ऑन हाईवेज फॉर लॉन्ग राइड्स एज़ वेल। बिल्कुल, तो इस बाइक में और कुछ ऐड ऑन करने का प्लान किया आपने, कुछ और लगाएंगे बिल्कुल ऐड करने, जैसे कि कुछ आइडिया? एक तो मैं इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवाने वाला हूँ, वो तो होने वाला है, तो आपके हर बाइक्स में होता है। हाँ, मैं उसके बगैर हार्ली या हाईवे पे चल ही नहीं सकता। अच्छा, दैट इज नंबर वन। ओके, और थोड़े थोड़े कॉस्मेटिक्स चेंज है जो आई हैव ऑलरेडी यू नो पेन इट डाउन, जैसे कि आपने पूरी इसमें ये कराई हुई है। हाँ, मैं इसका यहाँ पे ना कुछ एक्सेसरी आइटम, बलजीत इज गेटिंग इट रेडी, तो हार्ली का लोगो और प्लस इतना मोटा वो इसका सिस्टम है पूरा। अच्छा अच्छा, लेदर पैड जैसा होता है आई गेस। हाँ हाँ, ओके, ये सीट भी आपने कस्टम बनवाई है आई गेस, ये भी बड़ी कूल लग रही है, ये कंफर्टेबल रहती है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल है, पूरी सीट बनवाई है ना, सिर्फ कवर नहीं, पूरी सीट कराई है, तो कंफर्टेबल है। और एक मैं इसमें वेरी सून रेस्ट लगाने जा रहा हूँ। क्या लगाने वाले सर? इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा थकता हूँ ये क्योंकि एक बार है ना, पहले तो ये शोल्डर्स पे आती है और फिर थोड़ा सा एग्रेसिव बैठना पड़ता है तो पीठ पे भी आती है। सर, मनूवर करने में प्रॉब्लम नहीं होती इस बाइक? मनूवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइड दिस बाइक इन वन हैंड, आई मीन माइल्स एंड माइल्स यू कैन गो। मतलब आपने स्टॉक भी चलाई है आयरन, आपको पता है सर हैंडल बार का, तो स्टॉक में और इसमें चलाने के बाद आपको बोल रहे हैं कि ज्यादा कंफर्टेबल है? ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, एक तो फास्ट ये फॉरवर्ड कंट्रोल्स की वजह से। एक और चीज, एक क्वेश्चन माइंड में आया, एक तो ये विदाउट एबीएस वेरिएंट है, सीबीयू यूनिट है, इसमें एबीएस नहीं आता, तो उस चीज को लेके आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं विदाउट एबीएस बाइक को लेके? मुझे कुछ उससे ज्यादा फर्क महसूस हुआ नहीं। नहीं फर्क महसूस हुआ? नहीं, इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। अच्छा। हाँ, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बताता हूँ कि आप 500 सीसी अबव कोई भी बाइक चलाइए, अगर इट इज रॉयल एनफील्ड और मीटियोर और 750 और कोई भी बड़े मॉडल, बड़े मॉडल को तो सबको पता ही है, सो यू आर सपोज टू यूज 70% फ्रंट ब्रेक्स। बिल्कुल, स्पीड स्लो डाउन करने के लिए भी फ्रंट, पीछे की ब्रेक सिर्फ तभी लेनी है जब बाइक आपने पूरी रोकनी हो। समझ गया। और जब तेज रोकनी हो तब आप इसको यू नो साइमल्टेनियसली दोनों ब्रेक्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 90% मेरे जो है वो फ्रंट ब्रेक ही यूज होते हैं, तो मुझे ऐसा कोई इशू लगा नहीं। कोई इशू नहीं लगा? कोई मतलब जैसे कि कोई पैनिक ब्रेकिंग अगर आपने? मैंने पैनिक ब्रेकिंग भी की है दो तीन बार। हाँ, ट्रैफिक में तो ये कह सकते हैं सर एक्सपीरियंस हो गया उस चीज को चलाते चलाते, तो पर ऐसा महसूस हुआ नहीं। अच्छा, तो और इसकी इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं स्पोक व्हील्स आते हैं, तो इसमें सर हमने आउटेक्स वगैरह कराया हुआ है, इसको ट्यूबलेस कराया हुआ है ऐसे? हाँ, इसको ट्यूबलेस कराया हुआ है, कराया हुआ है, और अभी इसको व्हाइट वॉल भी कराने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, व्हाइट वॉल, तो फिर इसकी लुक पूरी बदल जाएगी। हाँ, देखा जाए तो बिल्कुल। तो डन है सर, बाकी मेरी तरफ से इतने था, सारे क्वेश्चन आपने क्लियर कर दिया। भैया आप एक बार आओ, ये शौक वाली बाइक है। हाँ, शौक वाली बाइक है, और जितनी मर्जी एसेसरी लगा लो उसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो भैया आपने जैसे आप ये ले लीजिए, मेरा काम तो खत्म हो गया, वैसे मैं वैसे पास आके पूछूंगा, जैसे कि ये जो बाइक है आयरन जी, अगर मुझे लुक के बेसिस पर देखा तो लुक मोस्टली दोनों बाइक का सेम है, तो आई स्टार्टेड विद 883 और उससे ज्यादा पावर की मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे जरूरत है इंडियन रोड्स पे। क्योंकि भैया मेरे को आपको वीडियो में लाने का रीजन है कि आप ऑलरेडी आयरन 883 चला रहे हैं जी, और ये 1200 की आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बता पाओगे मेरे अकॉर्डिंग? It's just more power, nothing more else power, has changed. Else. Yes. और कुछ आपको खास फर्क नहीं लगा इसमें? जी नहीं। पावर आपका? हाँ। पावर में भी कोई मेजर फर्क लगा है या नॉर्मल? नहीं, मेजर फर्क नहीं आता है उसमें, नॉर्मल फर्क है, लेकिन हाँ इसके चाहे तो हम ज़्यादा फर्क भी ला सकते हैं, इसके अंदर थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैं अपनी बाइक में भी चाहूँ तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करा के उसकी सेम पावर उसके अंदर भी ले सकता हूँ, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1200, वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो भी ना चाहें तो उसके अंदर मैं फ़िल्टर चेंज करा के हैवी ब्रीदर लगा सकते हैं और फिर फ्यूल पैक से इसकी ट्यूनिंग करके, तो इट विल गिव अराउंड सेम पावर लाइक। नमन करो धराजी को फोन, और इसको भी और इंक्रीज उठाया नहीं उसने, इट हैज टू बी डन इन दिस। आ जाएगा 5-10 मिनट में, नहीं तो 15-20 मिनट में मैं दोबारा करता हूं, उसके पीछे लगता हूं जरा। आपको कोई प्लान किया है ये पहली बार लगाने का? हां, नॉट दिस लॉन्ग, बट आई हैव इन माइंड कि 8-9 इंच की स्टाइप का कुछ इसके अंदर करवाऊं। दिस इज सर ऑलमोस्ट सारी बातें हम लोगों ने कवर, दिस इज 15 इंचेस। हां, बट इफ यू वांट अ इजीियर वर्जन यू कैन गो फॉर 9 इंचेस और 12 इंचेस। डेफिनेटली मैंने इसमें 17 इंची लगवाया था पहले, दैट वाज अप टू हियर। हाँ, बट उसने मेरे को बहुत थकाया। अच्छा। तो फिर मैंने ये हैंडल उसका चेंज कराया, नाउ इट इज कम्फर्टेबल। थैंक यू सर।
तो डन है सर, थैंक यू सो मच, ऑल राइट, थैंक यू करके मजा आया। एक बार मैं माइक ले लेता हूं, मेरी आवाज पता नहीं लोगों के पास आ रही होगी नहीं आ रही। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, मजा आया शूट करके, सारे डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू सर, टेक केयर। तो गाइस वीडियो के अंदर मैं एक चीज दिखाना आप लोगों को भूल गया कि इस बाइक के अंदर आता है सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपर फॉब, क्योंकि जनरली फॉब आपको सारी की सारी डायना या फिर आपको बड़ी बाइक्स में देखने के लिए मिल जाता है। तो भैया इट वर्क्स, मतलब ये काम करता है? जी बिल्कुल। कैसे काम करता है? स्टैंड से भी हटाएंगे, इसके ऊपर कोई बैठेगा भी तो भी। अच्छा, जैसे कि मैं अगर इसको थोड़ा दूर कर लेता हूँ, आप एक बार मूव करना तो ये करेगा, तो सायरन बजेगा। अरे वाह क्या बात है, इट्स वर्क्स। यस, तो ये मतलब प्रॉपरली काम कर रहा है इसका मतलब। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को इस चीज के लिए। द थिंग इज कि मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। अच्छा, ये 2012 मॉडल है और इसके अंदर ये सिस्टम अवेलेबल है, फॉब आता है और अब तो आता भी नहीं है। और नहीं नहीं, बीच में इन्होंने बंद कर दिया। आई परचेज इन 2016 माय आयरन, तो उसके अंदर ये नहीं था, लेकिन ये उसके बाद वाले मॉडल्स में फिर ये आना शुरू हो गया, और उसमें एबीएस भी आना शुरू हो गया बाकी मॉडल्स। आई गेस मेरे हिसाब से 20 मॉडल में भी इन्होंने फॉब दे दिया है, फॉब दे दिया है ना, तो मतलब बढ़िया चीज है वो देखा जाए तो। हाँ पहले मिल जाती तो अच्छा था। एक बात और, बहुत लाउड है, बहुत लाउड है, पुलिस वालों कुछ बोलना चाहोगे? दोबारा चाबी पकड़ा देना दोबारा। थैंक यू भैया।